आदरणीय पाटिल सर ने एक नया आइडिया ये लॉन्च किया है कि सुबह सुबह जो है कि हम ज्ञान जो है ले, और अभी अभी सर जी ने बोला वो बिल्कुल सही बात है, जिसके पास नॉलेज है वो बड़ा ऊंचे तक वो उड़ सकता है, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ देना है, कब देना है, क्यों देना है, ये जब तक आपको मालूम नहीं है तब तक अच्छी तरह से आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। पहला सिर्फ इम्यूनिज एक ही प्रोडक्ट था, फिर उसके ऊपर भी आप डायमंड बने, तो अभी इतने सारे प्रोडक्ट है तो सभी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो रोज जो है अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट, अलग अलग महागुरु आपके साथ बात करेंगे और आपको जो है प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा डीप नॉलेज देने का हम कोशिश करेंगे। मित्रों, जो कुछ आप स्लाइड्स आप देखोगे तो इसमें जो है कि सावधानता पूर्वक आप देखिए, क्योंकि सब चीज जो है कि ये रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस बोली जाती है, जाते जाते हम बोल देते हैं लेकिन क्या पता इससे आपकी किस्मत चमकेगी, आपको लगेगा हाँ ये मैं बिल्कुल कर सकता हूं, और वहां से जो है आप प्रेरणा लेके और ज्यादा काम कर सकते हैं। छोटा बच्चा रहता है, माँ के साथ जब रहता है, माँ का उंगली पकड़ के जब चलता है तो उसको एक सिक्योरिटी फीलिंग रहती है कि मैं गुम नहीं हो जाऊंगा ये यात्रा में। वैसे ये नॉलेज जो है ये आपकी माँ है, उसका हाथ पकड़ के आप हमेशा चले, आपको कभी किसी की दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जो है मैं आदरणीय पाटिल सर, पलाटे सर और शशि जी का मैं यहाँ उल्लेख करूंगा कि इनके बदौलत जो है ये धन्वंतरि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ये आज काम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स। तो आज हम ये प्रोडक्ट चालू करेंगे तो उसका मैंने टाइटल दिया टोटल हेल्थ। स्वाइन फ्लू आ गया था, बर्ड फ्लू आ गया था, अभी कोरोना वायरस कोविड आ गया था, तो मतलब ये सब चीजें जो है दे आर पैंडेमिक, पूरे विश्व में फैली थी। तो अगला जो पैंडेमिक आने वाला है उसके लिए हम रेडी है क्या? वी आर नॉट रेडी। मित्रों, हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं, तो ये चैलेंजेस जो है आप किसी के साथ बात करोगे तो ये चैलेंजेस के बारे में बात करो तो वो हाँ ही बोलेगा, वो नहीं नहीं बोलेगा। किसी डॉक्टर के साथ आप बात करोगे तो ये चीज आप बोलो वो बिल्कुल हाँ कहेगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि वो हाँ कहने के लिए बाध्य होता है। कैंसर का बर्डन जो है भारत में बढ़ रहा है, कैंसर का बर्डन भारत में बढ़ रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है कैंसर के केसेस हमारे आसपास दिखने लगेंगे। क्या ये सच है? आपके गांव में कैंसर के पेशेंट आ चुके हैं, इसका मतलब ये कोई बड़े लोगों का बात नहीं रहा, आपके गांव के यहाँ तक वो आ गया है। भारत में जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है स्त्रियों में कैंसर पनप रहा है, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि औरतें बात नहीं करती, बोलती नहीं, शर्माती है, इसके कारण ये चीज ज्यादा बढ़ रही है। ये बच्चा देखा हमने कितना दुबला पतला सा है, तो इसको बोलते हैं IUGR बेबी, इंट्रा यूटरिन ग्रोथ रिटार्डेशन। मां के कोख में बच्चा सूख जाता है और ऐसे छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। हमारे अहमदनगर शहर में रोज 10 बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से 5 बच्चे कांच की पेटी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दुबले पतले होते हैं। इट इज अ चैलेंज। ये देखा हमारे कस्बे का एक चित्र है, 8 साल के बच्चों की हाइट इतनी होनी चाहिए, एक भी बच्चे की हाइट जो है वहां तक नहीं पहुंची है। इसका अर्थ जानते हैं? पूरे भारतवर्ष में बौनापन बढ़ रहा है। भारत सरकार का एक रिपोर्ट बताता है कि पूरे भारत का हाइट 1.5 सेंटीमीटर से कम हो गया है, चिंता का विषय है। तो यहां हमें अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, संधि दिखनी चाहिए कि हम कहां काम कर सकते हैं। एजिंग, चरक के काल में जो है 100 साल की आयु थी, हम आशीर्वाद क्या देते हैं, जीवेत शरदशतम, 100 साल आप जियो। तो अभी के हिसाब से देखा गया 2021 की जनगणना के बारे में बोले तो 70 साल के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो आपको बुढ़ा कब बोलेगी? बाय द एज ऑफ 50। बाल सफेद हो गए, चश्मा लग गया है, बीपी चढ़ा है, डायबिटीज हुआ है, ये बुढ़ापे की बीमारी ज्यादा पनप रही है और ये बहुत जल्दी आ रही है। तो ये चीज जो है ये आपको बिल्कुल सोचने के लिए बाध्य करेगी कि यदि हमें
अच्छा कुछ करना है तो ये विषय हमारे हाथ में है। बाल झड़ रहे हैं, आसे तो हिमाचल भी तकरार है, कभी भी किसी भी यहाँ जाओ तो औरतें मिलती है, डॉक्टर साहब बहुत बाल झड़ते हैं, कुछ तो भी दे दो। तो ये बहुत आम तकरार है। बर्न्स, ये जो वुंड्स दिखते हैं आपको, इसको बोलते हैं बेड सोर। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में समस्या है और बहुत सारे पेशेंट जो है इसके कारण मर जाते हैं। तो यदि इमेरिज का यहाँ आपने प्रयोग किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट में आते हैं। सूर्यासिस, ये ऐसा बीमारी है तो एक तो पेशेंट थक जाता है, नहीं तो डॉक्टर थकता है, तो पेशेंट का ठीक ही नहीं होता क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। डिलेड हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स है, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स है, उनको ये समस्या है कि हड्डी जल्दी भरती नहीं है। हड्डी यदि जल्दी भरी नहीं तो पेशेंट जो है उसको प्लास्टर ज्यादा दिन तक रखना पड़ेगा। ये समस्या इज चैलेंज। लिगामेंट टूट जाते हैं, टेंडन इंजरी आती है, फिर इसके लिए जो है ऑपरेशन करने की नौबत आती है। बहुत सारे पेशेंट में ये प्रॉब्लम है। नींद नहीं आना, रात को देर रात तक जो है जागते बैठते हैं, तो ये देर रात तक जागना जो है इसको बोलते हैं निद्रा नाश। ये बहुत बड़ा बीमारी है और पूरे भारतवर्ष में ये है। वीक इम्यून सिस्टम, ये आजकल बहुत बड़ी मात्रा में सभी ओर दिखाई पड़ती है। एक नया चैलेंज हमारे सामने आया है, सुपर बग्स, मतलब जो जंतु है, जो बैक्टीरिया है, वो किसी दवाई से मरते नहीं है। और शास्त्रज्ञों का कहना है कि हर साल 10 मिलियन लोग जो है पूरे विश्व में ये सुपर बग से मरने वाले हैं। टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इंडिया में आ चुका है, मतलब ये ऐसा टीबी का है जंतु कि जिसके ऊपर कोई भी दवा असर नहीं करती, कोई भी दवा असर नहीं करती। तो ये ऐसे पेशेंट जो हमारे आसपास रहे, वो छींके, वो थूके, वो खांसे, तो आपको ये एमडीआर टीबी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये किसी ने दिखाया नहीं है। 1000 पेशेंट जो है टीबी के रोज मर रहे हैं। 1000 पेशेंट, कैन इमेजिन, इतनी बड़ी मात्रा में लोग मर रहे हैं लेकिन कहां भी इसका आता पता नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है इसके लिए दवा है ही नहीं। तो इसमें जो है हम कुछ काम कर सकते हैं। एचआईवी पेशेंट्स, लाइट के स्पीड से पेशेंट ये दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, और अनडायग्नोज भी है, जिनका डायग्नोसिस हुआ है उनको ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन जिसका डायग्नोस ही नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट है। तो जिनको डायग्नोस हुआ ऐसे पेशेंट यदि आपको मिले तो 100% आप उनके साथ बात करें और उनको जो है कुछ विश्वास दिलाए। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये वीक होता जा रहा है टू फाइट अगेंस्ट दिस एनिमीज। तो इसका अर्थ क्या हुआ है कि ह्यूमन हेल्थ इज इन डेंजर, हमारा स्वास्थ्य जो है खतरे में है। तो इसलिए जो है कि हम क्या उसके लिए रवैया अपनाते हैं, ये कौन सा पक्षी है, शाहमृग, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। तो ये क्या करता है कि जब भी खतरा सामने आता है तो वो रेत के नीचे मुंडी डाल देता है। रेत के मुंडी डाल दी अंदर तो समझने का खतरा चला गया, ऐसा थोड़ी है। हमारा भारतीयों का रवैया खतरे के साथ जो दो हाथ करने का, इस तरह है हम जो है इसकी तरह जो है हम काम करते हैं। तो इसलिए जो है कि हम चाहते हैं कि आप हेल्थ कम्युनिकेटर बनो। हेल्थ कम्युनिकेशन इज अ साइंस, इज अ आर्ट, यूजिंग कम्युनिकेशन टू एडवांस द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन। लोगों के साथ आरोग्य के ऊपर आप चर्चा करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ संवाद करें, इसके सहारे जो है कि हम लोगों को स्वास्थ्य संपन्न बना सकते हैं। धन्वंतरी पीपल, दे आर आरोग्य दूत, हेल्थ मैसेंजर्स है वो, हेल्थ कम्युनिकेटर्स है वो। ये चीज आप पक्का ध्यान में रखिए। इसलिए धन्वंतरी जो है ये कंपनी आई है, ये कंपनी जो है ये कौन है, हम वी आर द पायनियर्स ऑफ गो पीयूष मूवमेंट इन इंडिया। गो पीयूष ये शब्द जो है वो धन्वंतरी ने लाया है। गो पीयूष सभी स्टेट में पॉपुलर किया जो है ये धन्वंतरी ने किया है। और आज यदि आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां हमारा नाम नहीं है। मित्रों, गो पीयूष मतलब गाय का जो पहला दूध है, इससे हमने गोली बनाए, उसका नाम है कैप्सूल इम्यूरिच। ये एक सुपर फूड है। पीयूष यानी अमृत,
जो भगवान को जो स्वर्ग में मिलता है, तो हमें जो है ये गोमाता जो है ये हमें अमृत देती है। इट्स अ पावर पैक्ड मेडिसिन, सुपर पावर मेडिसिन है। तो ये इसके सहारे जो है हम हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। प्राचीन काल से जो है इसके ऊपर बड़ा रिसर्च हुआ है, आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथों में जो है इसके ऊपर डिटेल में वर्णन किया गया है। लेकिन प्राचीन काल में कैसा होता था, सब लोग जो है सूत्र रूप से बोलते थे, छोटा सा इतना सा श्लोक लिखते थे, और उसके जो उनके गुरुजी जो थे वो ऋषि जो थे जब भी वन टू वन बात करते थे उसके बारे में डिटेल बता देते थे। अब ये भाव प्रकाश का एक श्लोक यहाँ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्षीरम तत्काल सूतायाम घनम पीच उच्चते। गाय जब बच्चा पैदा करती है तो उसके बाद जो दूध आता है उसको पीयूष बोलते हैं। वो कैसा रहता है, घन रहता है। वो क्या काम करता है, वृषा, इट इज अ सेक्स टॉनिक, ब्रुहणा, ताकत देता है, बलवर्धना, बल बढ़ाता है, गुरुवा, श्लेष्मला, हृदया, ये हृदय के लिए हितकारक है, वात पित्त को नाश करता है, दीपता निदान, बहुत जिनको ज्यादा भूख लगती है उनके लिए बड़ा फायदेमंद है, विनिद्राणाम, जिनको नींद नहीं आती, विद्रधौच अभिपूजता, जिनको बार बार ये फोड़े आते हैं या उनको ये बेडसोर्स हुए उनके लिए बड़ा अच्छा काम करता है। यदि इंटरनेट पे आपने सर्च किया तो आपको हजारों के तादाद में जो है रिसर्च पेपर्स दिखेंगे। तो जहां रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं उस जर्नल्स की कुछ फोटो जो है आपके सामने प्रस्तुत किए। सबसे पहला जो मन में सवाल आता है किसी बंदे कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल लेते हैं उसका कोई सेफ्टी है क्या, सुरक्षा है क्या? तो ये पेपर है इंटरनेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च के ऊपर, यहाँ पब्लिश हुआ है 1987 में, कोई प्रेस्टन बोल के साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था, बोवाइन कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन कंजम्पशन एफिकेसी एंड इफेक्ट्स। उनको क्या पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल ये जो रहता है, ये गोपयूष जो रहता है, ये सेफ है, बहुत ही फायदेमंद है, कारगर है, जब भी हमने मुख से लिया तो भी उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई ओवरडोज नहीं है। दूसरा, ये जो हम पीते हैं कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो उसका सब जो अच्छे अच्छे चीजें है इम्यूनोग्लोबिन से, ग्रोथ फैक्टर से, वो हमारे पेट में जाने के बाद वहां जो एसिड रहता है उससे जो है वो कब क्लास हो जाएगी? नहीं, इसके लिए जो है दूसरा पेपर है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक्टिविटी इन कोलेस्ट्रॉल ऑफ काऊ। हमारे ये गोपयूष में ऐसे कुछ तत्व है कि जिसके कारण जो है ये सब जो अच्छे मॉलिक्यूल जो है वो हमारे आमाशय में जो है वो पचते नहीं, वो एसिड उसके ऊपर काम नहीं करता है। मित्रों, ये हमारा फैक्ट्री है अहमदाबाद में जो है, ये हमारी खुद की फैक्ट्री है जहां जो है हम ये कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। ये गीर जाति के देसी गौ का कोलेस्ट्रॉल है। इसके आजू बाजू के परिसर में जितने सारी गौशाला है उनको सभी को हमने बोल के रखा है कि आप जो है हमें कोलेस्ट्रॉल दें, और हर 15-20 किलोमीटर के बाद हमने डीप फ्रीजर रखे हैं जहां वो कोलेस्ट्रॉल आके फ्रीज हो जाता है, फिर गाड़ी से सभी जगह का कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करके यहाँ लाते हैं और उसका जो है स्पेशल तरीके से उसके पाउडर बना लेते हैं। भारतवर्ष में जितने सारे कोलेस्ट्रॉल बेचने वाली कंपनियां है किसी के पास भी ये चीज नहीं है। ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, USP। मित्रों, ये बताना कभी भूलने का नहीं, ये बताना कभी भूलने का नहीं, क्योंकि ये जो चीज है ये हमें सबसे श्रेष्ठ बनाती है। क्योंकि फ्रॉम दूध से लेके अंतिम कैप्सूल तक सभी जगह जो है हमारा चेक रहता है, और हमारा स्टैंडर्ड जो है इतना बड़ा है कि आप पूरे विश्व में कहां भी लेके जाइए हमारी गोली सभी केस में अव्वल निकलेगी। पहले 24 घंटे का जो कोलेस्ट्रॉल रहता है ये लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री में इम्यूनो बूस्टर्स रहते हैं, इम्यूनो ग्लोबिन्स रहते हैं। तो हमने क्या किया, पहले 16 घंटे का ही जो है हमने ये कोलेस्ट्रॉल लिया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो है ये इम्यूनो ग्लोबिन्स हमें मिल गए। तो सबसे मेन चीजें जो है इसके बारे में बात करेंगे, इसमें 3 प्रकार के फैक्टर्स रहते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, इम्यून फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। तो सबसे पहला आता है इम्यून फैक्टर्स, साइटोकाइंस है, एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबिन है, लैक्टोफेरिन है, PRP है। तो इम्यूनोग्लोबिन ये क्या चीज है, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं रहता है। तो इम्यूनोग्लोबिन आर द प्रोटीन्स,
ये एक प्रकार के प्रथिन है और वो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे अच्छी तरह से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। वो क्या करते हैं, वो अटैच हो जाते हैं बैक्टीरिया को, वायरसेस को, फंगाई को, और फिर वो उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। ये पांच प्रकार के होते हैं, IgA, IgG, IgM, IgD और IgE। PRP ये शॉर्ट फॉर्म है प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड का, एक छोटा सा अमीनो एसिड का चेन है, 10 अमीनो एसिड रहते हैं और ये 3000 डाल्टन का इतना छोटा सा एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। हमारे इम्यूनिटी का सबसे मेन प्रोडक्ट जो है, जो कुछ अंतर्गत है, वो ये है पीआरपी। मॉड्यूलेशन मतलब क्या मालूम है आपको, यदि आपका इम्यून सिस्टम कम काम कर रहा है, मतलब हाइपर इम्यूनिटी है, तो ये आपको नॉर्मल में परिवर्तित करेगा। हाइपर है, ज्यादा हो गया है, वो नॉर्मल करेगा। ऑटो हो गया है, वो रिवर्स करेगा। मतलब एक ही मॉलिक्यूल हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाता है कि कैसे मारामारी करे, कैसे ये इस जंतु के साथ लड़ाई करे, और ये सिग्नलिंग डिवाइस के जैसा काम करता है। और ये हमारे नेचुरल किलर सेल जो रहते हैं, जो जंतु के साथ मारामारी करने वाले हमारे ब्लैक कैट कमांडो है, उनको जो है स्टिमुलेट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। लैक्टोफेरिन ये भी एक बहुत बढ़िया हमारे इसका एक तत्व है, इससे जो है एनीमिया ठीक होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी ट्यूमर है, एंटी माइक्रोबियल है। और जो रिसर्च से पता लगा है कि लैक्टोफेरिन कैन प्रिवेंट वायरसेस, लैक्टोफेरिन के कारण जो है HIV, हिपेटाइटिस बी, साइटोमेगलो वायरस जैसे वायरसेस जो है वो नष्ट हो सकते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें कहाँ कहाँ हमारा गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेप्टिन, अभी हमने वहां श्लोक में देखा था, दीप्ताग्नि नाम, जिनको बड़ी ज्यादा भूख लगती है, ऐसे लोग। तो ये लेप्टिन, ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल एक हार्मोन है और वो क्या करता है, हमारी भूख नियंत्रित करता है। तो यदि नियमित रूप से हमने एवरेज लेना चालू किया तो घटना ऐसी होती है कि हमारी भूख नियंत्रित होती है, जो ज्यादा हम खाते हैं ना बार बार, वो कम हो जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, फैट बर्न होने लगता है और उसके कारण जो है हमारे स्नायु और हमारा लीवर अच्छा हो जाता है। क्योंकि आजकल यदि आपने देखा तो फैटी लीवर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है और स्थूलता ये भारतवर्ष की बड़ी समस्या है। तो इसको ठीक करना है तो आपका लेप्टिन जो है आपके खुद के शरीर का, वो ठीक करना जरूरी है और वो करने के लिए एमरिज का लेप्टिन आपको मदद करेगा। ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स एक बहुत छोटे से टाइनी मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे सेलुलर ग्रोथ को, सेल बढ़ने को, सेल का डिफरेंशिएशन करने में मदद करते हैं। और वो सिग्नल कोर जिसे बोलते हैं ना लश्कर का, वैसा ये एक मॉलिक्यूल है। अलग अलग प्रकार के हैं इसमें जो है, IGF-1, IGF-2, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एपिथेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, बीटा, नर ग्रोथ फैक्टर, सिर्फ बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स। मैं चाहता हूं कि कभी नेक्स्ट टाइम यदि मिले तो सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर हम पूरा लेक्चर लेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज है, वो एक घंटे में इतना समाने वाला नहीं है। लेकिन मैं जाते जाते थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि जो नर ग्रोथ फैक्टर है NGF, तो इसको ढूंढने के लिए जो है नोबेल मिला है, रीटा लेवी मोंटालचिनी, आपने एक भी ढूंढी है, 1980 के दशक में उनको ये नोबेल मिला। क्योंकि अब तक जो है आधुनिक शास्त्र का ऐसा मानना था कि व्हेन नर्व इज डैमेज, परमानेंटली डैमेज, इट कैनॉट बी रिकवर्ड, लेकिन NGF का यदि वहां आपने इस्तेमाल किया तो नर्व कैन रीजनरेट अगेन। कितनी बड़ी बात है ये। इसका अर्थ ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स में जो है, नर्व डिसऑर्डर्स में जो है, हम एमरेज का वापर अच्छी तरह से कर सकते हैं। इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इसेंशियल फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स। इसका अर्थ क्या है, इट इज अ पावर पैक न्यूट्रिशन। अभी अभी जन्मा बच्चा है जिसने भी सांस लिया है, मतलब 0-1 दिन का है, तब से लेके 100 साल के उम्र तक
सभी को आप इमेज दे सकते हैं। यदि जो पहले वाले कुछ डायमंड्स यहाँ उपस्थित है तो उनको पता लगेगा कि हम पहले ऐसा नहीं बताते थे, लेकिन हम अभी बताने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस आ गए। बीच में एक डॉक्टर आए थे और उनके यहाँ जो है कि रोज 10 डिलीवरी होती थी, और आज की स्थिति ऐसी है 10 में से 5 माताओं को पहले दिन दूध नहीं आता, फिर बच्चे को क्या करेंगे? उनको तो पीयूष देना चाहिए, मातृ पीयूष नहीं मिल रहा है, तो मातृ के बजाय जो है गो पीयूष यदि हमने दिया तो क्या फर्क है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये इमरिज का गोली निकाला, उसको पानी में घोल बनाया और उसके ड्रॉप्स जो है हर बच्चों को देना चालू किया, और उसके रिजल्ट बहुत तगड़े आए। फिर उन्होंने पाटिल सर के साथ बात किया कि सर ऐसा ऐसा मुझे रिजल्ट मिले हैं, और वो एमडी कैनेट थे तो उनका मानना तो पड़ा भाई ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। तभी से हमने बोलना चालू किया कि भाई एक दिन से बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक जो है आप इमरिज कहीं भी दे सकते हैं। ये जो स्लाइड है इसका आप फोटो निकाल के रखें, स्नैपशॉट निकाल के रखें, ये आपको जो है डायमंड बना सकता है। मैं जहां भी जाता हूं इस स्लाइड के ऊपर बड़ी बात करता हूं, 1000 days, दे आर द मोस्ट क्रिटिकल डेज। एक हाथ बच्चे का जो है आयुष का अच्छा स्टार्ट करना है तो उसके पहले 1000 दिन अच्छे जाने चाहिए। कब चालू होते हैं ये? जब बच्चा पेट के माँ के पेट में रहता है, मतलब माँ जब गर्भवती होती है तब से ही चालू करना है। और कब तक करना है? वो बच्चा 2 साल का बर्थडे जब पूरा करता है, ये 1000 days रहते हैं। तो माँ को जो है आप गर्भवती जब हो जाएगी तब आप उसको इमरिज चालू करें, और उसके बाद जो है बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो माँ जब स्तनदा मतलब बाप को दूध पिलाया जाता है बच्चे को, तभी आप उसको जो है इमरिज चालू करें। और फिर जब बच्चा खुद ये खाने के लायक होगा पहले ड्रॉप्स दे दो, ग्रो टोटल दे दो या इमरिज दे दो, बाय दिस वे बाय दैट वे आपको गो बीच उसके पेट में दिलाना है। यदि ऐसा रहा तो बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो बीमार नहीं गिरेगा, वो बच्चा बीमार नहीं गिरेगा। और बच्चा यदि बीमार नहीं रहा तो भारत जो है वो महासत्ता बन सकता है, क्योंकि हमारे सब बच्चे एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं धन्वंतरी के लोगों ने ये स्लाइड जो है इसके सहारे लोगों में ज्ञान बांटना चालू करें। इससे क्या हो जाएगा कि आने वाली जो पीढ़ी है वो एकदम सुरक्षित रहेगी, उनको कोई बीमारी ज्यादा नहीं रहेगी। हमने 2 विकल्प आपको दिए, ये जो है इमरिज दिया है, और बच्चों को प्यारा क्या रहता है? चॉकलेट। हमने चोको इम्यूनिटी बनाया है, जो चाहिए आप दे सकते हैं, ग्रो टोटल भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। बाय दिस वे बाय दैट वे हम बच्चों का हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं। मित्रों, किसी भी शहर में आप जाओ तो वहां जो है जो बाल रोग तज्ञ रहते हैं उनकी ओपीडी फुल रहती है, 100-100 पेशेंट की ओपीडी रहती है। जो माँ बाप बाहर बैठे रहते हैं उनको यदि आपने पूछा कि सर के पास आप कितना टाइम आते हैं, तो महीने में 2 बार तो आना पड़ता है, सर्दी हुई, जुकाम हुआ, जुलाब हुए, बुखार आया, रो रहा है, पता नहीं। तो साल में ये जो है 24 बार बच्चा आपका बीमार गिरा, आप कैलकुलेट करके उनको बताइए। तो क्या हम आपके साथ ऐसा कुछ शेयर करें कि जिसके कारण आपका बच्चा बीमारी नहीं गिरे? बीच में महाराष्ट्र में वाशिम नाम के गांव में गया था, तो वहां एक सज्जन आए मेरे पास उनकी लड़की लेके, भाई मेरी बेबी जो है वो बार बार बीमार गिरती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, 15-20 दिन के बाद वो चलता रहता है, अभी 5 साल के लिए क्या करें, परेशान है। मैंने बोला ये हमारा ये दवाई है, आप ट्राई करो, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो अभी नवरात्रि में हम जब गए थे तो पता लगा कि वो बंदा आके मिला मुझे, सर बहुत बहुत थैंक यू। बोले क्या हुआ बेटा? बोले हम अभी माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे, जो डॉक्टर साहब के पास हम बच्चा हमारा बच्ची हमें एडमिट करते थे वो हमारे पीछे खड़े थे लाइन में, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपने डॉक्टर बदला है? बोले क्यों, हमारे पास आप आते नहीं है। बोले सर सच्ची बताऊं मेरी बच्ची बीमार पड़ना बंद हुआ। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, भाई आप क्या दे रहे हैं? तो आप कल मुझे आके बताओ, फिर वो इंग्लिश लिखे। मतलब जो है कि बाल रोग तज्ञ भी अचंभित हो रहे हैं कि ऐसा क्या माजरा है जिसके कारण बच्चे बीमार नहीं गिर रहे।
तो आपके आसपास जितने सारे बच्चे हैं उनके पास आपका ये दवा पहुंचना है, ये आप ठान लो। यदि आप इतना भी कर सके, जयराम जी की बहुत अच्छे अच्छे आप करें। हर घर में एक दादाजी रहते हैं, नानी रहती है, दादी रहती है, या हमारी माँ रहती है, उनके अलग अलग समस्या है, जोड़ों में दर्द है, भूख नहीं लगती, चटनी होती, नींद नहीं आती, थकान सी महसूस होती है, हीमोग्लोबिन कम हुआ है, बार बार बीमार गिर रहे हैं, डायबिटीज है, बीपी चढ़ रहा है, मतलब एक ना दो बहुत सारी समस्या, मतलब अलग अलग चीज का मॉल लगा है। तो ऐसे लोगों में यदि आपने इमरिज का प्रयोग किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक या दो महीने के अंदर जो है आपकी माँ एक रोटी ज्यादा खाने लगेगी, उनको नींद अच्छी आने लगेगी, उनकी जो उत्साह जो है वो बढ़ेगा, कम से कम वो आपके गली के जो है मंदिर वहां तक वो चलना चालू करेगी। यही चाहिए ना अभी, और क्या चाहिए। तो ज्येष्ठाय नमो, हमारे आसपास जो ज्येष्ठ है उनको हमें नमस्कार करना चाहिए। मित्रों, आपके यहाँ हर तालुके में जो है एक ज्येष्ठ नागरिक संसद है, क्या आपके यहाँ है सीनियर सिटीजन क्लब, हर जगह होता है। और ये सब जो सीनियर सिटीजन जो है ये बड़े अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए होते हैं, कोई कलेक्टर रहता है, कोई पुलिस ऑफिसर रहता है, कोई बड़े कारखानदार रहता है, कोई सीईओ रहता है, तो वो ढूंढते रहते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा कैसे रहे। तो यदि उनको यदि आपने अप्रोच किया और ये बताया कि यस वी आर हैविंग समथिंग, और आपके ग्रुप में कोई तो भी डॉक्टर रहेगा, उनके साथ लेके जाओ, उनके एक लेक्चर दे दो और देखो क्या होता है, मतलब आपका एक नया द्वार आपके लिए खुलेगा। और ये सब जो बुजुर्ग लोग हैं वो आपके लिए मुफ्त में काम करेंगे, पब्लिसिटी का काम करेंगे, क्योंकि उनको खुद को अच्छा लगा है, दे विल रेकमेंड योर प्रोडक्ट। समझ रहे हैं हम, हर तालुके में हर जिले में जो है ये रहता है। मित्रों, बारामती जो है ना, बारामती जहाँ आप अभी गए होंगे, पवार साहब का जो शहर है, तो वहां धन्वंतरी का जो मीटिंग रहता है वो ज्येष्ठ नागरिक हॉल में ही होता है। तो ये चीज जो है, आप हर जगह जो है हॉल रहते हैं उनके, उनको पटाओ, उनको नमस्ते करो और ये काम आपका चल हो जाएगा वहां, बाकी दूसरे हॉल भाड़े से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। मित्रों, धन्वंतरी ऐसी कंपनी है जहां नारी का या स्त्री का सम्मान होता है, पूजन होता है, हम बड़ा इज्जत करते हैं। और हमारे आज भारत में 10 लाख के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनके घर में जो है एक बीबी है, एक माँ है, एक बेटी है ना, मतलब हम कितने लोगों से कनेक्ट है, 30 लाख लोगों से कनेक्ट है। तो 30 लाख लोगों को यदि हम कनेक्शन में हैं, तो हमारा इमरिज उतना जाता है क्या, हम इतना इमरिज बेचते हैं क्या? उत्तर है नहीं, क्योंकि हम हमारे घर की औरतों को ये बताए नहीं, वो खाते नहीं। तो पहले आपके घर के औरतों को चालू करो, छोटी बच्ची है, किशोरी अवस्था में है, अभी अभी उनका शादी हुआ है, एक प्रौढ़ा है या एक जो है बूढ़ी अम्मा है, अलग अलग वय के जो आपने देखा उम्र में जो है आप इमरिज का प्रयोग हम कर सकते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ की एक छोटी सी बात, हमारा जो इलाका है जहां मैं रहता हूँ वहां 52 फ्लैट्स हैं, और हमारे यहाँ एक बूढ़ी अम्मा है डेलेकर जी, उनका 81 ईयर कंप्लीट हुआ था, इसलिए बर्थडे बनाया पूरी कॉलोनी ने। तो हमने ऐसा सोचा कि उनके लिए हम ब्लड डोनेट करेंगे, तो 81 ब्लड बैग्स हम अच्छी रहेगी बात। तो वो गाड़ी बुला ली हमने, वो आए हुए खून वाले लोग, तो सबसे पहले सबका उन्होंने खून चेक किया, तो हमारे मैडम का आया 12.5, और बाकी 51 लेडीज का 7, 8, 9 ऐसा एच भी आ गया। शर्म की बात है, तेरे फ्लैट 2 करोड़ का फ्लैट है तेरा, और तेरा एचबी जो घर की लक्ष्मी है उसका 7 है, क्या चीज है ये। हमारी माँ बहने खुद के हेल्थ को दुर्लक्षित रखती है, उनका बेटा अच्छा खाए, उनका हस्बैंड अच्छा खाए, उनके ससुर अच्छा खाए, लेकिन वो बासी रोटी खाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके घर की जो औरतें हैं, यदि आपने उनके साथ इमरिज का प्रयोग चालू किया तो देखो क्या होता है। पहले आपके घर से चालू करो, फिर बाकी लोगों को बताना चालू करो।
आपके घर के आसपास यदि आपने देखा तो बहुत सारे खिलाड़ी आपको मिलेंगे। ये एक नया डोमेन हमको बता रहे हैं। अभी हम रायपुर गए थे तो वहां बड़े बड़े जिम हमने दिखे, इतने बड़े जिम, और ऐसे हर कस्बे में है। अरे पंडित क्या बात है। तो अर्थ ऐसा है कि लोगों का व्यायाम के प्रति रुझान बढ़ा है। और स्कूल में जो है यदि आपने किसी खेल में भाग लिया तो 2 मार्क मिलते हैं। अब 12th जब पास करेंगे ना तो उसमें 2 मार्क ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए सब लोग खेल में भाग ले रहे हैं। तो किसी बंदे को खेल में करियर बनाना है तो उसको आप मदद कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि लीन मास बढ़ता है, एंड्योरेंस बढ़ता है। तो जो जो स्पोर्ट्स क्लब है आपके आसपास उनको आप संपर्क करें, जो खिलाड़ी है उनको आप संपर्क करें और देखो क्या होता है। और यदि किसी ने मेडल लाया तो देखो उनको आप धन्वंतरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आओ, उनका सम्मान करो और 4 खिलाड़ी आपके साथ जुड़ जाएंगे। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हम खेलकूद का जो मैदान रहता है तो उसमें बड़े सख्त रूल रहते हैं, एंटी डोपिंग टेस्ट होते हैं, क्या आपने कोई ऐसा तत्व लिया है जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है? तो इसका उत्तर ऐसा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो रहती है, बराबर है, WAD, तो ये वाड़ा जो रहता है इनका कहना है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेफ है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का जो ब्रोशर है उसका ये चित्र यहां हमने आपको बताया। जो बंदा चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खेलकूद करने वाले मित्र रहते हैं उनको आप बोल सकते हैं। इट इज अ सेफ, हजारों साल से जो है फूड बोल के ये कोलेस्ट्रॉल लेके आ रहे हैं। और वो चीज जो है कि उन्होंने लेबल क्या दिया है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मिल्क, और वो जो है कोई इसके लिए प्रोहिबिशन नहीं रखा है। धन्वंतरी का जो है ये कोलेस्ट्रॉल, ये मेरी चीज है, ये अलग अलग सिस्टम के ऊपर काम करता है। मतलब स्नायु संस्था है, अस्थि संस्था है, मज्जा संस्था है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, GI ट्रैक है, किडनी है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सभी के ऊपर काम करता है। हम सब के ऊपर बात करेंगे और सभी बातें जो है विद रेफरेंस रहेगी, कोई भी बात जो है विदाउट रेफरेंस हम नहीं बोलेंगे। ये सब रिसर्च हो चुका है, सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बस हाइपो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका इम्यूनिटी कम हो गया है उसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो चलती है। जैसे इम्यूनिटी बहुत कम हो गई तो आपको डेंगू हो सकता है, आपको हर्पीस हो सकता है, आपको TB हो सकता है। तो हमारे कोलेस्ट्रॉल के जो जो घटक है वो इसके ऊपर काम करते हैं, जैसे जो है कि ये ग्रोथ फैक्टर्स जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम का इम्यूनिटी जो हमारी रहती है तो उसमें PRP जो इसका काम कर रहा है, तो सभी चीजें यहाँ आपको बताई। हाइपर इम्यून डिसऑर्डर मतलब इम्यून सिस्टम ज्यादा मात्रा में काम कर रही है तो बार बार खांसी आना या सर्दी होना, आंख में ऐसे लाल लालपन, कंजंक्टिवाइटिस होना, चकत्ते निकल आना, बार बार सर्दी लगना, तो ये सब चीजें जो है कि ये इसको बोलते हैं हाइपर इम्यून डिसऑर्डर। तो इस सभी में जो है हमारा गोली काम करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब खुद की पुलिस खुद को मार रहे हैं तो क्या करे, किसके पास जाए, तो इसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छा काम करता है। और ये यहाँ सब ये रेफरेंस आपको बताए। HIV, ऐसे कोई बंदे हैं जिनका ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट है तो बिल्कुल आप इसमें जो है आप इम्यूनिटी का अवश्य दें, और इसके रिजल्ट बहुत तगड़े आते हैं। उनका जो है क्या करना है, CD4 काउंट तो करना ही है, लेकिन जो है उनका वायरल लोड टेस्ट आप करके लें। वायरल लोड टेस्ट ऐसा रहता है जिसमें HIV के एग्जैक्टली कितने कॉपीज आपके बॉडी में है पता लगता है, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर कंप्लीशन द ट्रीटमेंट। ये 3 रिपोर्ट आपके हाथ में आए तो आप बहुत सारे लोगों के साथ आप रिपोर्ट साझा कर सकते हैं। इसके साथ में जो है आपको मैं सुझाव देता हूं कि इसको रोज एक अनार खाने के लिए कहो, अनार, पोमोग्रेनेट, डाड़ी, ये यदि उसने खाया तो उसको बड़े अच्छे और तगड़े रिजल्ट आते हैं। ये बहुत सारे आपको मैं रेफरेंस बता रहा हूं। वायरोलॉजी, अभी आपने देखा ये कोविड का काल चल रहा था, इट इज अ वायरस, तो हमारा इम्यूनिटी इसके ऊपर काम कैसे करता है ये समझने की हमें जरूरत है। इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन है ANG, इसके साथ है लैक्टोफेरिन,
तो ये दो चीजें जो है इसमें सबसे अच्छी और तगड़ी काम करती है। जो स्वाइन फ्लू के काल में हमने दिया था, हर्पीज में दे सकते हैं या एचआईवी में दे सकते हैं, डेंगू में दे सकते हैं। तो ये सब वायरसेस को परास्त करने के लिए जो है हेमरेज ये एक वरदान है। मोस्ट यूजफुल इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट फॉर फास्ट वुंड हीलिंग। जो भी सर्जन लोग हैं जिनके पास हॉस्पिटल है उनको जाके आप बोल सकते हैं, सर ये जो चीज हमारी है इसमें एपिथेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, उसके कारण उसका सर्जरी का वुंड जो है वो जल्दी भर जाएगा और उसका जो स्कार है वो भी बहुत कम रहेगा। कितनी बड़ी बात है, दो सार सर्जन भी आपको हाथ में लग गए तो रोज की जो आपके बॉक्सेस जाना चल हो जाएगा। वुंड हीलिंग, ये पाटिल सर का हॉस्पिटल का पेशेंट है, उसको इतना बड़ा सा वुंड हुआ था, इसको बोलते हैं ये बेड सोर कमर के यहां, और धीरे धीरे जो है ये भर गया। तो एमरेज उसके ऊपर डालना है, पेट में एमरेज देना है और इसके कारण जो है धीरे 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 जो है पूर की तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो बहुत सारे जगह जो है हमारा गोली बेड सोर का गोली बोल के फेमस है, ठीक है भाई, आपको जिसके उपयुक्त लगा आप कर सकते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब हमारा पाचन तंत्र, हमारे यहां जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में एसिडिटी के पेशेंट है। ये एसिडिटी होती है ये एच पाइलोरी से, तो ये एच पाइलोरी जो है उसको परास्त करने के लिए एमरेज बड़ा अच्छा काम करता है। उसके तो हमारा जाइमोरेज भी उसके साथ आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, मतलब उनको रोज दस्त होते हैं, उसके साथ खून गिरता है, पेचिश होती है, तो उनको ये अंदर जो जख्म रहते हैं वो जख्म भरने के लिए जो है कि हम एमरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप कौन से डॉक्टर के पास जाके बोल सकते हैं, दोज आर डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो आंतों के तज्ञ है, पेट के तज्ञ है और जो एमडी के आगे सीखे है, सिर्फ ये स्लाइड जो है उनको काम कर लेगी। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर खून की बीमारियां, मित्रों अलग अलग प्रकार की खून की बीमारी आजकल दिखाई पड़ रही है, तो इसमें जो है ये हमारे ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ काम करते हैं। जो डेंगू रहता है तो डेंगू में प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं और कम होने के कारण जो उसको ऊपर से प्लेटलेट देने पड़ते हैं, तो यदि आपने हेमरेज का प्रयोग चालू किया तो फटाफट जो है उसके प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं। बीच में भी कराड़ में भाषण कर रहा था और सातारा के बाजू में, तो वहां एक पीछे सज्जन बैठे थे, उन्होंने हाथ ऊपर किया, सर आई वांट टू टॉक। मैंने बोला मेरे भाषण होने के बाद आप बोलिए। फिर वहां के स्टेज पे उन्होंने बोला कि मैं यहाँ के सह्याद्री हॉस्पिटल का चीफ हूँ, वो आज एमडी एंड डीएम मेडिसिन में, और उन्होंने एमरेज का डेंगू के ऊपर के रिजल्ट बोला। पांच पेशेंट में उन्होंने ट्रायल किया और सब में सभी के सभी में जो है 5 दिनों में 2.5 लाख तक प्लेटलेट काउंट चला गया। तो एक डीएम हमारे स्टेज पे आके बोल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। तो मित्रों ये खून के अलग अलग बीमारी में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। डायबिटीज बहुत लोगों में है, हमारे यहाँ हमारा मधुमेह अमृत चूर्ण हम उसके लिए देते हैं, तो उसके साथ में यदि आपने एमरेज का प्रयोग किया तो इसमें जो है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ए IGF-1 जो रहता है वो हमें जो है इसमें फायदा देता है और उसका शुगर लेवल कंट्रोल करता है। डायबिटिक फूड अल्सर्स, ये चीज जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में पूरे विश्व में है और ये जो जख्म होती है वो ठीक नहीं होती है और धीरे धीरे जो है उसको गैंग्रीन तक लेके जाती है, उसका पैर काटना पड़ता है। तो इसके लिए बाजार में आजकल मलम आ गया है और उसमें ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। कितने ग्राम की ट्यूब है? 7 ग्राम की ट्यूब है। कितने पैसे की है? 700 रुपए की है। एक ट्यूब एक जगह लगाई बात खत्म होती है, दिन में 1400 रुपए लोज उसका खर्चा आता है। तो यदि उसको एमरेज आपने बोला तो क्या हो जाएगा, वो उसका सस्ता गिरेगा, उसका पैर भी ठीक हो जाएगा और उसका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट ढूंढो, ऐसे पेशेंट यदि आपको मिल गए तो समझो आपको डायमंड होना पक्का है। कार्डियोलॉजी, हमारा हृदय जो है आजकल बड़ी चर्चा में आ गया है और इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स है ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो रहता है वो कोरोनरी वैसो रिलैक्सेशन करते हैं, मतलब कोरोनरी जो है ऐसी बड़ी कर देते हैं। और दूसरा जो है
एंजियोजेनेसिस मतलब नई आर्टरी बनाना, ये चीज जो है ग्रोथ फैक्टर की वजह से होता है। इसलिए जो बंदे जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका ब्लॉकेजेस है, उनका ऑपरेशन हो चुका है या उनका बाईपास हो चुका है, इनमें आप इसका प्रयोग अवश्य करें। सेक्सोलॉजी, बहुत बार जो है हमारे पास सिर्फ फाइटोग्राफी ही विकल्प रहता है, लेकिन यदि आपने उसके साथ इमरिच ऐड किया तो उसके रिजल्ट्स दुगुना हो सकते हैं, क्योंकि इमरिच के ये गोपीश के श्लोक में आ गया है वृषा, ये वृष काम करता है मतलब वो वाजी कर है, वो शुक्र को बढ़ाता है और ये सेक्सोलॉजी में फायदेमंद होता है। नेफ्रोलॉजी, ऐसे बहुत सारे किडनी के पेशेंट आपको दिखेंगे जिनको किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला है, डायलिसिस कर रहे हैं, जिनका किडनी वो बदल चुके हैं, तो हम क्या चाहते हैं भाई, आपका किडनी का ऑपरेशन नो प्रॉब्लम आप करें, लेकिन ऑपरेशन होने से पहले दोनों बंदों को जो है इमरिज खिलाएं। इससे क्या हो जाएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि डोनर ने किडनी दिया है लेकिन बॉडी रिजेक्ट करता है, क्योंकि उसको वो रहता है फॉरेन बॉडी लगता है, तो यदि आप दोनों को यदि इमरिज खिलाते हैं तो वो अच्छी तरह से वो एक्सेप्ट कर लेता है। ऑप्थैल्मोलॉजी, आंख की बीमारी, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको दिखेंगे कि जिनकी आंख सूखती है, आंख सूखने के कारण बार बार वो आंसू के ड्रॉप्स डालते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको लेजर करना पड़ता है डायबिटीज के कारण या और किसी कारण उनका रेटिना खराब होता है, तो इनमें जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो नर्व ग्रोथ फैक्टर है वो फायदा देता है, जो सर्जिकल वुंड जो होते हैं आंखों के, वो नर्व ग्रोथ फैक्टर के कारण जो है वो अच्छी तरह से हील हो जाते हैं। जेरेंडोलॉजी, अभी मैंने जो बोला आपको कि ये वार्धक्य जो है ये बड़ी मात्रा में आजकल सभी जगह फैल रहा है, और जो औरतें हैं उनको ये ज्यादा बुरा लगता है, किसी ने आंटी बोला, किसी ने दादी बोला, तो आपको यदि आंटी दादी नहीं बोलना है या आपको, तो ये आपको कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो है एंटी एजिंग के लिए हम इमरिज दे सकते हैं। और मसल बिल्डिंग, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज जिम जाते हैं, क्यों, वो मसल बिल्ड करना चाहते हैं। जो एक्चुअल बॉडी बिल्डर्स है वो क्या करते किसी को बताते नहीं है, दे टेक ग्रोथ फैक्टर्स, तो हम उनको इम्यूनिटी दे सकते हैं, हम उनको प्रोटीन जी दे सकते हैं, क्या हम ग्रोथ टोटल दे सकते हैं, जो भी आपके उपलब्ध आप दे सकते हैं, जिसके कारण उनका मसल मास जो है बढ़ेगा, और ये बड़ी अच्छी चीज रहेगी। कॉस्मेटोलॉजी, हमारी स्किन जो है यह एक वरदान है, और वो अच्छा दिखे, ग्लो हो जाए, इसके लिए हम ऊपर से कुछ लगाते हैं और कुछ करते हैं, तो उसके बजाय हमने पेट से कुछ अच्छा ऐसे लिया तो ये स्किन अच्छा चमक जाएगी, दमकेगी, क्योंकि इसमें रहता है एंजेलोनिक ग्रोथ फैक्टर 1, तो ये आपका सेल जो है स्किन का वो अच्छा करेगा। ट्राइकोलॉजी, इसके पीछे किस्सा है, स्वाइन फ्लू के कारण हम बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, और उस टाइम एक बंदा मेरे पास आया और बोला सर वो डिब्बा चाहिए, बोले आपने तो लिया था, नहीं नहीं मेरे को बाल आ गए, बोले ये गोली बीमारी जो है ये बिना नहीं की है, इम्यूनिटी बढ़ाने की है, बालों की नहीं है बेटा, नहीं नहीं आप मुझे बाल आ गए ले लो भैया। वापिस आ गए एक महीने बाद, सर आओ अच्छे बाल आ गए, मैंने पार्टी ऑफिसर को फोन किया, सर बोले ये बंदा बोल रहा है कि उसको बाल आ गए, सर बोले कोर्टिकर हम इम्यूनिटी बढ़ाने की गोली बेच रहे, बाल बढ़ाने की नहीं, हाँ वो सब मालूम है सर, लेकिन वो बोल रहा है बाल बढ़ गए, फिर आप ढूंढो बाल कैसे बढ़ गए इसके, और सब बोले उल्टा पड़ा मेरे को, फिर मुझे पढ़ाई करना पड़ा, तो अब ये मालूम पड़ा कि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स है, और ये ग्रोथ फैक्टर्स जो है ये बाल बढ़ाने के काम में मदद करते हैं। और ऐसा है क्या, फिर हमने पता लगाया कि और कौन कौन से है, ये सब हमें ये सब खजाना मिला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो विषय है इसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया है। तो ये ट्राइकोलॉजी जो है, ट्राइकोलॉजी शास्त्र क्या है, जो बाल बढ़ाने का शास्त्र, बाल के लिए जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको ट्राइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उनके पास यदि आप जाके इसके बारे में बात करेंगे तो आपको वो वंदन करेंगे, यार बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार मेरे को ऐसा गोली मिला है जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स है और ये ओरल फॉर्म में है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी,
फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव टू ग्राम निगेटिव, पूरी तरह से अलग अलग जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंगा है, इसके ऊपर हमारे को भी काम करना है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, बार बार खांसी आना, बार बार सर्दी होना, बार बार जुकाम होना, बराबर निमोनिया होना, ब्रोंकाइटिस होना, एम्फिसिमा होना, इन सब में जो है ये हमारा गोली काम करता है। मित्रों, मैं आज आपके साथ एक केस आपके साथ शेयर करूंगा। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का बात चल रहा है तो मेरे पास एक औरत थी, शी वॉज मेटरनेट मालिका, और उनको जो है इंटरस्टिशियल डिजीज ऑफ लंग, ऐसा ये प्रॉब्लम, मतलब ये अल्वेलाई जो रहते हैं ना फुफ्फुस के अंतिम छोर, वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए और उसका सांस एकदम कम हो गया। कितना हो गया, 60 भी नहीं आता था, 60 ml पर ब्रीथ ये भी नहीं था। हमने उनका एमरेज चालू किया और एमरेज चालू करने के बाद में जो है उनका सांस बढ़ते बढ़ते 300 ml तक आ गया, 300 ml, और वो 12 साल जिंदा रही, 12 years। उनका आयु था 3 महीना, 3 महीने से हमने लंबा खींचा 12 साल तक। मित्रों, ये चीज जो है ये सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स के कारण हुई, बाकी किसी, तो ये जो बात है तो हमेशा ध्यान में रखें कि ऐसे जो लोग हैं इनमें आप इमरिज का यदि प्रयोग किए तो बड़ा अच्छा लाभ है। उसके साथ आप रेस्पिरिच वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स मैंने अभी बोला था, डिलेड हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, कार्टिलेज रिपेयर, ये दो चीजें जो है ये ऑर्थो में सबसे ज्यादा चलती है। तो उनके पास इसके लिए वो खिला ठोकते हैं, प्लेट लगाते हैं या नया चक्ती डालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, भगवान ने जो दिया है उसको खातिर क्यों लगाएं? आप जो है कुछ ऐसा करो कि जिसके कारण वापिस अच्छा हो जाए। तो उनके लिए बोलने के सिर्फ हम 3 महीना दो, तो ये जो चीज है आपको ठीक करके बता। मेरे पास एक बहुत बड़े CEO आए थे, उनके ये टांग की हड्डी के 3 टुकड़े हुए थे, उनको 6 महीना रेस्ट के लिए बोला था, प्लास्टर 6 महीने के लिए था। मैंने बोला यार हम कुछ करें आपको, आपका बोन जल्दी हील करके बताते हैं, बोले बिल्कुल करें। मैंने ये सब चालू किया तो 3 महीने के अंदर जो है उनका हड्डी पूरे की पूरे भर गया। पुणे में बहुत बड़ा हॉस्पिटल संचेती बोल के, उन्होंने अरे इनका फ्रैक्चर हील हो गया, वो काट डालो। फिर फ्रैक्चर ये जो प्लास्टर काट डाला, उनको लाठी लेके चलने के लिए बोला और वो काम को चल गए। मित्रों, ये चीज जो है आप जब चमत्कार दिखाएंगे तब नमस्कार होगा। तो ऐसे बंदे आपको यदि मिले जिनका फ्रैक्चर हील नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप इसके ऊपर ट्राई करो। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है, इनमें जो है आप ऑर्थोरिज प्लस और इमरिज का योगदान बहुत बड़ा है। न्यूरोलॉजी, ब्रेन संबंधी बीमारियां, तो इसमें जो PRP जो है, इसमें जो नर्व ग्रोथ फैक्टर है, इसमें बड़ा अच्छा काम करता है। अल्जाइमर्स जो पेशेंट रहते हैं फर्स्ट स्टेज के, इसमें अच्छा योगदान है। जो पैरालिसिस के पेशेंट है, इसमें योगदान अच्छा है। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट है, इसमें अच्छा फर्क होता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन, अभी मैंने आपको खिलाड़ी के बारे में बोला, तो इसका ये रेफरेंस यह सब है कि जो बंदे किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाके ये बताना चाहते हैं तो उनको ये रेफरेंस जो है बताना जरूरी है। ये रेफरेंस जो है ये आप लिखिए, इसका आप शॉर्ट लिखे रखो, ये नेट पे जाके वो देखो, उसका प्रिंट आउट निकालो और वो पेपर साथ में लिखे जाओ, उनको बोलो ये हमारे इसमें है, फिर उनको विश्वास दिखेगा। पेडियाट्रिक्स, हमने अब ये बच्चा दिखाया IUGR, तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है, इंसुलिनिक ग्रोथ फैक्टर 2, ये जो ग्रोथ फैक्टर है ये बच्चा पेट में अच्छा बढ़े इसके लिए प्रयोग इसका होता है। तो 7वें महीने में जो है पता लगता है कि आपके पेट का जो बच्चा है वो 700 ग्राम का है, 800 ग्राम का है, ये बढ़ नहीं रहा है, आप बेड रेस्ट ले। आपके शहर में ऐसे बहुत सारे महिलाएं आपको मिलेगी जिनको डॉक्टर साहब ने बोला है एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, क्योंकि आपका बच्चा वो छोटा है, क्योंकि उनको बच्चे को वो चीज प्लेसेंडा से जो मिलती है वो नहीं मिल रही है। तो यदि आपने इसमें इमरिज का प्रयोग किया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 3 महीने के अंदर वो 700 ग्राम का बच्चा 2 किलो का हो सकता है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। और यदि ऐसा आपने उसको 2 साल तक जो है आपने पुल ऑन किया तो वो बच्चा जो है कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका हेल्थ बहुत स्ट्रांग होगा, उसका मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वरदान है, आपको बहुत सारा जो है शुभकामनाएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी लोगों के। तो हमारा जो काम है दवा बेचना और दुआ लेना, दोनों भी हम करते हैं। बर्न्स,
जल जाना। हमारे यहां जो है भारतवर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में ये काम चलता है। कोई भी सिविल हॉस्पिटल में जाओ आप, एक बर्न वार्ड अलग रहता है वहां, कभी जाके देखो, वहां सब पूरा ऐसा मच्छरदानी में अंदर सब लेटे हुए रहते हैं, पूरा जला हुआ रहता है और उनका ड्रेसिंग करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इनमें यदि आपने इमरिज का प्रयोग किया, तो मैंने यहाँ एक रेड बाण दिखाया, देखो ये, तो ये जो इधर चिपक जाता है ऐसा, वो चिपकता नहीं, वो खुला रहता है। कितनी बड़ी बात होगी उस बंदे के लिए। तो ये यदि आपको यदि ऐसा मिल गया कोई पेशेंट, तो बिल्कुल आप ट्राई करो, आपको डायमंड बनना ये आपका तय है। ऑब्स्टेट्रिक्स, ये नवजात शिशु का शास्त्र है। इसमें जो है हमने बोला है कि जो नवजात शिशु है, यदि आपने उनको ये दिया तो उनको जो बार बार बीमारी होना जो है वो उनका बंद हो सकता है। डेंटल, दांतों के डॉक्टर के पास यदि आप गए तो उनको बोलने का कि भाई आपके यहाँ जो पेरियोडेंटाइटिस के पेशेंट है उनका आप जो सर्जरी करते हैं, फ्लैप सर्जरी, ये सब निकाल देते हैं, फिर उसको चिपकाते हैं, तो वहां जो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वहां काम करता है। और ये पेपर जो है ये पब्लिश हुआ है जापान में। और ये जो चीज है, यदि आपने उनको बोला तो वो आपका गोली धूमधाम से जो वो काम करना चालू कर सकते हैं। रूमेटोलॉजी, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जो आपके लिए जो है बड़ा काम है। बहुत सारे पेशेंट उनके पास आते हैं कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के रहते हैं, वायरल के डिसऑर्डर्स के रहते हैं, और उनमें एमरिज बड़ा अच्छा काम करता है। और वो रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है कि तुरंत आपको कुछ भी दिखाई पड़ेगा। ये जो पेपर है, ये इसका फोटो निकाल के रखे या स्क्रीनशॉट निकाल के रखे। ये जो पेपर है ये पब्लिश हुआ इटली में, और ये पेपर हमने बताया डॉक्टर भटकर सर को कि कोलेस्ट्रॉल बोथ इन हेल्दी सब्जेक्ट एंड हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स इट एटलीस्ट 3 times मोर पोटेंट देन वैक्सीन। वैक्सीन से 3 गुना ज्यादा बेहतर है। फिर ये सब मालूम पड़ा तो उसके बाद जो है ये हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। और भटकर सर ने जो है ये बड़ी धूमधाम के साथ ये सब हमारी बातें की। पाटिल सर ने उस टाइम बोला था इट इज टाइम टू बूस्ट योर इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी फ्लू। तो उसके बाद ये सब क्रम है, स्वाइन फ्लू डिक्लेयर हुआ, फिर टैमीफ्लू दवाई उसको भी मालूम पड़ा, फिर हमने इसके ऊपर जो है रिसर्च करके बोला कि भाई ये जनपद विध्वंसी विकार है। फिर 5 अगस्त 2009 को जो है हमने वहां कॉन्फ्रेंस लिया। फिर 24 अगस्त को जो है WHO ने जाहिर किया कि ऑल डिपेंड्स ऑन इम्यून कैपेसिटी ऑफ द पीपल। ये देखो 5 अगस्त की तारीख है हमारी, हमने बोला धनवंतरी पीपल ने, और उसके बाद जागतिक आरोग्य संगठन बोल रही है कि भाई 24 अगस्त को। उसके बाद महाराष्ट्र शासन का जो है ये चित्र आया है, और उसके बाद जो है ये WHO की जो सर्वे सर्वा है उन्होंने बोला कि एवरी 3rd person इन वर्ल्ड कैन सफर फ्रॉम H1N1। तो इस सब के पीछे जो है हमारा जो शास्त्र है आयुर्वेद शास्त्र, ये बोलता है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रही तो आपको कुछ नहीं होगा। तरक ने उस टाइम बोला था भी ये जो विकार आते हैं उसमें सबसे अच्छा वैद्य ने क्या करना चाहिए, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाए, रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाए। तो वही चीज हमने किया और उसका हमें बड़ा फायदा हुआ। यदि आज के तारीख में देखा तो ये स्वाइन फ्लू के बाद भी ये कोरोना आया तब हमने उसमें भी काम किया। तो हमारा जो कंपनी का दायित्व है तो हमने सतारा जिले की जितने सारी पुलिस फोर्स है उनको हमने इम्यूनिटी दिया और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दे आर फ्रंट वर्कर्स। हमने माननीय शरद पवार जी को ये दिया था और ये सभी लोग है ये बड़े उन्होंने बड़े आशीष दिए, बड़ी शुभाशीर्वाद दिए कि भाई आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ हमारा एक पेपर भी पब्लिश हुआ है ये कोरोना के काल में कि ये इम्यूनिच जो है ये कोरोना में कैसा काम करता है। डोज फेवरेट के बारे में सबको पता है, एक्विस्टेन में कैसा देना है या बच्चों में कैसा देना है। तो धीरे धीरे जो है हम इसके ऊपर जो है ये करेंगे कि बहुत ही सीवियर कंडीशन है तो 4 गोली 4 बार दे सकते हैं पानी के साथ में। एक्यूट कंडीशन में 2 या 3 गोली 3 बार दे सकते हैं। नॉर्मल है तो 1 capsule 3 बार आप दे दें। छोटा बच्चा है, अभी जन्मा है, 1 capsule खोलो, पानी में मिलाओ, 1/8 capsule जो है उसको दे दो। तो ये धीरे धीरे आप डोज को बढ़ा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन है आपके एजुकेशन बढ़ाने के लिए दी है, बराबर है। तो ये जो है आप अच्छी तरह से आप उन लोगों में पास करो, लेकिन ये ऐसा है कि
आपके डॉक्टर साहब को कंसल्ट करके जो है सब आप करो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा. When I is replaced with we, even illness can become wellness. बराबर है कि नहीं? तो यदि आप हेल्थ, यदि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो H can be replaced by W. मतलब आपको जो है बड़ी मात्रा में जो है सफलता प्राप्त हो सकती है, आपके पास बड़ी संपत्ति आ सकती है. तो एक टाइम है, ये छोटी मछली को बड़े समंदर में जाने के लिए टाइम उसका आ गया है. तो ये सारा नॉलेज आपको जो मिला है, तो आपको बड़े समंदर में जाने के लिए सब नॉलेज मिला है. तो ये नॉलेज यदि आपके साथ में है, तो आप किस क्षेत्र में जाओ, आपको डायमंड बनना पक्का है. इसके साथ मैं आज का मेरा व्याख्यान समाप्त करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद.